हमेशा एक बात कही जाती है कि एक औरत चाहे तो घर को बना भी सकती है और एक औरत चाहे तो एक घर को उजाड़ भी सकती है। ये पूरी तरीके से एक औरत पर डिपेंड करता है कि वो अपने घर को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती है। कहा गया है शास्त्रों में कि जिस घर की औरत सुखी होती है उस घर में हमेशा प्यार, सुख, समृद्धि बनी रहती है। उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। उस घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। वहीं जो महिला बड़ों का आदर करती है, छोटों को प्यार देती है, उनकी जिंदगी में कभी भी उन्हें दुख तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। आज हम आपके साथ बात करेंगे ऐसी महिलाओं के बारे में जो कि जिंदगी भर अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी परेशान रखती हैं। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि शास्त्रों में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसे जानकर, जिसे समझकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला को कैसा होना चाहिए। चाणक्य नीति में भी इस बात का पूरा उल्लेख किया गया है। देखा गया है कि शादी के बाद अगर आपको सुख की प्राप्ति होती है तो उस महिला को आप अपने लिए बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। लेकिन वहीं कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि शादी के बाद से उनके साथ चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर की वजह से ही आपको इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे सुनकर, जिसे समझकर आप काफी चीजें समझ जाएंगे। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो भी महिला अपने पति के पर्स से पैसे निकाल लेती है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। पति के पर्स से बिना बताए पैसे निकालना पूरी तरीके से गलत बताया गया है। वहीं शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भी महिला सुबह के समय ज्यादा देर तक सोती है उसके पति को, उसके पुरुष को हमेशा दुख झेलना पड़ता है। जो महिला सवेरे सवेरे उठकर घर का काम आदि करती है और अपने पति के लिए खाना बनाती है उसके घर में हमेशा ही सुखों की बौछार होती है। लेकिन वहीं जो महिला ऐसी हैं कि सूर्य उदय के बाद भी देर तक सोती रहती हैं, आलस्य का त्याग नहीं करती, उन्हें अपनी जिंदगी में कई नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिला है कि जो महिला रात को सोते समय अपनी मांग का सिंदूर धोकर सोती है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। शास्त्रों में साफ तौर पर इस बात की मनाही है कि सिंदूर को धोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो रात को अपना सिंदूर धोकर सोना पसंद करती हैं। बात करें अगर आपसे कपड़ों के बारे में तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो महिला काले कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करती हैं या फिर वो काले कपड़े ही ज्यादा पहनती हैं तो उनके पतियों के साथ हमेशा उनका दुर्भाग्य लगा रहता है। शादी के बाद एक महिला को काले कपड़ों का त्याग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अंतिम बात जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जी हाँ, शादीशुदा महिलाओं के लिए शास्त्रों में वर्जित माना गया है गुरुवार के दिन बाल धोना। लेकिन फिर भी अगर कोई महिला ऐसी करती है तो उसके पति को हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है, उसके पति का दुर्भाग्य हमेशा बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं से जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं
जिसकी वजह से उनके पतियों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज से आर्थिक रिपोर्ट।